और अभी घूम रहे हैं तितली पार्क में। बहुत सारा फूल वूल लगा हुआ है, तो देखते हैं। गुलाब फूल है बहुत सारा, देखो ना गिलहरी कितना मस्त है। हम तो डर ही गए थे कि क्या आ रहा है मेरे पीछे, डर गई थी। हाँ दोस्तों, हम लोग अंदर आ चुके हैं और अभी आप लोगों को दिखाएंगे कुछ ही देर में। बहुत सारा तितली है उस घर में, क्या जी वो जो दिख रहा है जाली जाली लगा, उसके अंदर बहुत सारे तितली, अभी उसी के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। अब दोस्तों अंदर घूमना हो चुका है और अब चले बाहर की ओर। हेलो दोस्तों, स्वागत है नीतीश प्रीति ब्लॉग्स में। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में सब खुश होंगे। दोस्तों अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। दोस्तों हमारी ओर से आप सबों को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों हम लोग अभी जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम है ओरमांझी। ओरमांझी में ही तितली पार्क है, चिड़ियाघर है और मछली घर है। और मछली घर और तितली पार्क दोनों एक ही जगह है, और चिड़ियाघर है जो अलग है, उधर है और इधर है। इस पार है मछली घर और तितली पार्क, जो कि हम लोग मछली घर आए हुए थे, तितली पार्क नहीं आए थे। तो आज हम लोग तितली पार्क घूमने आए और साथ में मछली घर भी घूम लेंगे। दोस्तों आप लोगों को दिखाएंगे कि मछली घर में क्या क्या है, कौन कौन सा मछली है, और साथ में तितली पार्क में। तितली पार्क को देखे नहीं, कैसा नहीं है, देखा पहली बार देखेंगे। और यहाँ का भी नज़ारा दिखा दोस्तों कितना खूबसूरत है, बहुत ही भयानक और बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत ही मस्त लग रहा है। यहाँ पे सुकून भी मिल रहा है, सुकून भी मिल रहा है, इस जगह अच्छा पे शांत शांत का माहौल है। देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना सुंदर लग रहा है। सब सखुआ का पेड़ है और बड़ा बड़ा एकदम लंबा लंबा है, क्या जी मोटा मोटा। इधर भी देखिए दोस्तों, चारों तरफ सखुआ का पेड़, और सखुआ के पेड़ के पास बैठने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर प्रीति जी, प्रीति जी देखिए कैसे एकदम मुस्कुरा रही है। अपना छोटका बैग ले लिया, क्या क्या रखे है बैग में जी? छोटा वाला पर्स में सारा मेकअप का सामान रखी हुई होगी छुपा के, अभी दिखा नहीं रही है। और अब चलेंगे हम लोग। कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो चलो चलते हैं उधर जाके देखते हैं अंदर अब क्या सीन है, कैसा है तितली पार्क। फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तितली पार्क। मछली घर तो घुमा दिए हैं, चिड़ियाघर चिड़ियाघर भी घूम लिए, थोड़ा दो बार घूमे लेकिन पूरा नहीं घूम पा रही है, थोड़ा थोड़ा करके घूम रही है। हाँ दोस्तों चलते हैं और चल के आप लोगों को भी दिखाते हैं और हम लोग भी देखेंगे। और तितली पार्क है तो तितली हो सकता है बहुत बहुत सारा होगा, और कई तरह तरह का तितलियां होगा, मतलब तितली का जितना भी प्रजाति होगा उसमें देखते हैं कौन कौन सा प्रजाति है यहाँ पे अवेलेबल, और कौन कौन पहचानते हैं और कौन कौन पहचान पाते हैं हम लोग। और फिलहाल अभी दोस्तों आज घर रांची में, कल परसों हो सकता है घर निकलेंगे। तो अभी चलते हैं, चल रहे हैं देखने के लिए। मस्त लग रहा है लेकिन जी। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। भूख लगा है क्या? नहीं अभी तो खाना खा के निकले, अभी खाना खा के निकली है, खाना खा के जस्ट अभी आई है। और खाने में सुबह सुबह बनाई पूड़ी और सब्जी, झींगा का, झींगा का सब्जी। और अभी साथ में खाने के लिए व्यवस्था है, डिक्की में रखे हुए हैं, केला खरीदे हुए थे, तो भूख लगेगा तो खा लेंगे, सिर्फ पानी निकालना पी लेंगे, बहुत जोर से प्यास लगा हुआ है। चाबी दीजिए, चाबी उधर ही होगा। दोस्तों बाहर का सीन कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं वहाँ पे गाड़ी पार्क किए हैं। और इधर मेरी धर्मपत्नी जी चली, चलो जी अब टिकट कटाना पड़ेगा ना, चलो पहले टिकट कटवा लेते हैं। और देखिए उधर फुहारा, अंदर जाके दिखाते हैं। पहले टिकट काउंटर पे चलते हैं, टिकट काउंटर इधर है, वो मछली घर। टिकट ले चुके हैं दोस्तों, अब चले अंदर, पहले जा रहे तितली पार्क न जी। अब देखते हैं तितली पार्क का कुछ नज़ारा, आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या क्या है, बहुत ही भयानक लग रहा है। ये फूल रहा, सब लिखा हुआ है, कॉमन मरमन का लिखा हुआ सब इंग्लिश से, देख सकते हैं लोग पढ़ सकते हैं। इधर मेरी धर्मपत्नी पूरा ध्यान से देख रही है। हाँ दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं और अभी घूम रहे हैं तितली पार्क में। बहुत सारा फूल वूल लगा हुआ है, तो देखते हैं। गुलाब फूल है बहुत सारा, देखो ना गिलहरी कितना मस्त है, हम
हम तो डर ही गए थे कि क्या आ रहा है मेरे पीछे, डर गई थी। हाँ दोस्तों, हम लोग अंदर आ चुके हैं और अभी आप लोगों को दिखाएंगे कुछ ही देर में बहुत सारा तितली है उस घर में, क्या जी? वो जो दिख रहा है जाली जाली लगा, उसके अंदर बहुत सारे तितली, अभी उसी के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। और इसके किनारे साइड पानी है, बड़ा ही अच्छा सुंदर लुक आ रहा है। पकड़ो जी हेलमेट, पकड़ो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिलहाल अभी दोस्तों देखें, यहाँ पे बना हुआ है वो तितली, क्या ही खूबसूरत लग रहा है, बटरफ्लाई इंग्लिश में कहते हैं। और देखें यहाँ का खूबसूरत, कितना मस्त बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा, क्या जी? और इधर देखिए मेरी धर्मपत्नी जी, फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ तक आ गई। अच्छा चलो खींचेंगे, इसमें मछली भी है, अरे बाप रे, बहुत सारा मछली भी, देखिए कितना बड़ा बड़ा मछली है जी, देखिए बहुत सारा मछली है ना। दोस्तों अब चले अंदर तितली पार्क के अंदर, और देखिए यही गेट है, इसी के अंदर है सारा तितली, देखिए कैसे उड़ रहा है। अभी अंदर जाएंगे, इधर मेरी धर्मपत्नी जी बुला रही थी जी, देख रही है फुहारा जैसा लगा हुआ है, देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही सुंदर। और उधर बहुत पता नहीं क्या चीज बना हुआ है देखने के लिए। और देखिए उधर तितली बहुत सारा उड़ भी रहा है, बहुत सारा तितली है, कलर, चलो कलर का कलर कलर का है। और अंदर चलते हैं, अंदर आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। इधर देखिए फूल गार्डन जैसा एकदम लगा है, चारों तरफ फूल। और ये रहा दोस्तों मेन जगह, हाँ बस वही सब तितली जो उड़ रहा है ना। और देखिए यहाँ तितली बनाया भी गया है, और फूल भी देखिए कितना सुंदर लगा हुआ है, देखिए बहुत सारा तितली है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है जी। ये सब तितली देखिए ना, सब तो नहीं देखी होगी लेकिन थोड़ा पूरा देखे हैं, थोड़ा पूरा देखिए। अब दोस्तों अंदर घूमना हो चुका है, और अब चले बाहर की ओर। और क्या है यहाँ खासियत आप लोग को दिखाए, हर चीज यहाँ पे जो जो भी है, लेकिन गार्डनिंग बहुत ही मस्त, फूल उल लगाया हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या जी? उस तरह का झरना तीनों साइड बनाया हुआ है। और अभी फिर जिधर से घुसना है इन करते हैं, उधर से ही बाहर निकलना है। और दोस्तों हम लोग तितली पार्क अंदर चारों ओर घूम लिए, बहुत ही अच्छा लगा घूमने में। यहाँ का जो क्या बोलते हैं फूल उल जो लगाया हुआ है, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगा हुआ है, और साथ में तितली भी है। तो छोटा सा जगह पे तितली को मतलब रखा गया है पैक और करके, ज्यादा तितली नहीं है, बस थोड़ा पूरा तितली है। लेकिन अगर घूमने के लिए, अगर बैठने के लिए, अगर शांत जगह चाहिए तो बहुत ही अच्छा जगह है। थोड़ा सा भी बाहर से आवाज नहीं आता है रोड से, और बहुत ही प्यारा लगता है, एकदम हवा चलता है तो बहुत मस्त लगता है। पेड़ वेड़ बहुत सारा है, और बहुत तरह का पौधा भी लगाया गया है, और बैठने के लिए भी जगह बनाया गया है। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से, क्योंकि तितली पार्क घूम लिए, और अब चलते हैं मछली घर जाएंगे देखने के लिए। तो चलो जी, आज मौसम भी बहुत लाजवाब क्या हुआ, धूप नहीं है इसीलिए घूम ली, धूप रहता तो घूमना पॉसिबल नहीं रहता, बहुत बहुत दिक्कत होता है। बादल छाया हुआ है इसीलिए घूमने में भी अच्छा लगा। क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है, कल तलक था दिल मेरा, अब तुम्हारा है।